हेलो दोस्तों, आज का अपना चैप्टर है 10+2 क्लास का केमिकल काइनेटिक्स। तो केमिकल काइनेटिक्स केमिस्ट्री की, फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो हमें बताती है कि रिएक्शन का रेट क्या है, रेट कहो या स्पीड कहो एक ही बात है, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या है या स्पीड ऑफ रिएक्शन क्या है और उसका मैकेनिज्म क्या है, वो किस तरह से होती है, कितने स्टेप्स में होती है। तो इन सब की बारे में जो जानकारी देता है, यानी कि रेट्स ऑफ रिएक्शन एंड मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को हम कह देते हैं केमिकल काइनेटिक्स। इससे पहले कि रेट की हम स्पीड की बात करने लगें, हमें थोड़ा सा केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ना होता है, पढ़ते हैं अभी। जब भी आपको केमिस्ट्री शब्द कहा जाता है तो आपके जहन में एक बात आ जानी चाहिए कि केमिस्ट्री है तो जाहिर सी बात है वहां केमिकल चेंज जरूर होगा और इसी केमिकल चेंज की वजह से ही केमिकल रिएक्शंस होती हैं। जब केमिकल चेंज होगा तब केमिकल रिएक्शन होगी, यानी कि रिएक्टिंग स्पीसीज होंगे, वो रिएक्ट करेंगे और उनसे क्या बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा। तो जब हम स्टडी करते हैं किसी भी केमिकल रिएक्शन को तो उसके बारे में हमें कुछ चीजें जाननी होती हैं, जैसे सबसे पहली है कि वेदर दैट रिएक्शन इज फिजिबल और नॉट, क्या वो रिएक्शन होगी या नहीं होगी। तो इसके बारे में आप प्रीवियस क्लास में 10+1 में आप पढ़ चुके हैं, थर्मोडायनेमिक्स इन सब के जवाब हमें देता है कि कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है। थर्मोडायनेमिक्स की यूनिट में आपने पढ़ा हुआ है कि डेल्टा जी जो होता है फ्री एनर्जी, इसकी वैल्यू हमें बता देती है कि भी कोई भी रिएक्शन फिजिबल है या नहीं है, यानी कि ये लेस देन जीरो होना चाहिए। डेल्टा जी गिब्स फ्री एनर्जी चेंज लेस देन जीरो होगा तो वो रिएक्शन होती है, वरना नहीं होती। अब थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो बता देता है कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन हमें ये नहीं बताता कि उसका रेट क्या होगा, स्पीड क्या होगी, जल्दी होगी देर से होगी। जैसे कि थर्मोडायनेमिक्स ने हमें यह बता दिया कि डायमंड विल बी कन्वर्टेड इनटू ग्रेफाइट, तो ये हमें क्या बताता है, इनिशियल स्टेज और फाइनल, बीच का कुछ नहीं बताता, भाई डायमंड चेंज होना है ग्रेफाइट में। अब ये रिएक्शन कैसी होगी, ये बहुत ही ज्यादा धीरे धीरे होती है, यानी कि इतनी धीरे होती है कि हम लगभग ये मान के चलते हैं कि वैसा होता ही नहीं होगा। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये तो बता देता रिएक्शन होगी या नहीं होगी, लेकिन ये नहीं बताता कि उसका रेट क्या रहेगा, स्पीड क्या रहेगी, यानी कि कंप्लीट इंफॉर्मेशन इससे नहीं मिलती है। दूसरी बात जो रिएक्शन के बारे में हमें जाननी होती है, यानी कि फिजिबल और नॉट, ये तो हमें बता दिया थर्मोडायनेमिक्स में। दूसरा है एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, कि जो रिएक्शन जिसकी भी हम बात कर रहे हैं वो किस हद तक होती है, इसके बारे में भी इक्विलिब्रियम जो हम पढ़ते हैं उससे हमें जानकारी मिल जाती है। ये भी आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा है कि भाई कोई भी रिएक्शन का एक्सटेंट क्या है, वो इक्विलिब्रियम पर कब पहुंचती है, ये सारी बातें हम पढ़ चुके हैं। तीसरी जो जरूरी बात हमें स्टडी करनी होती है वो है रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन का रेट क्या है, या सिंपली मैं इसको कह सकता हूं स्पीड क्या है। यही सारी बातें इस यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि ये फिजिबल है या नहीं ये हम पहले पढ़ चुके हैं, पता लगा सकते हैं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन हम पता लगा सकते हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन का पता अब हम लगाएंगे इस चैप्टर में कि भाई कैसे पता लगाएं कि किसी भी रिएक्शन का रेट क्या होगा, कैसे होगा। रेट ऑफ रिएक्शन के बेस के ऊपर, यानी कुछ रिएक्शन ऐसी हैं जो बहुत धीरे धीरे होती हैं, जैसे इसका जिक्र चल रहा था वैसे ही और भी बहुत सारी रिएक्शन हैं जो बहुत धीरे होती हैं, कुछ ऐसे होती हैं जो बहुत जल्दी होती हैं, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में हो जाती हैं और हमें पता भी नहीं लगता कि रिएक्शन कब हुई, यानी कि अगर हाईली अपने पास हाईली इक्विपमेंट है, हाईली इक्विप्ड लैब है तो हम पता लगा सकते हैं, वरना नॉर्मली तो हमें पता भी नहीं लगता। तो इस बेस पे रिएक्शंस तीन टाइप की हो सकती हैं,
एक तो वो हैं जो बहुत ज्यादा धीरे धीरे होती हैं, ऐसी रिएक्शन जिनको कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन। तो रिएक्शन की टाइप बन गई। अब इसके बेस के ऊपर सबसे पहली टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन रेट, पहली कौन सी है? वेरी स्लो रिएक्शंस, ऐसी रिएक्शंस जो बहुत ज्यादा स्लो होती है। देखो, बहुत ज्यादा स्लो का मतलब क्या है, जैसे आप फिजिक्स में पढ़ते हैं कि हमने स्पीड निकाली, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ और कितना उसने टाइम लिया। इसी तरह रिएक्शन में भी क्या होता है कि भाई रिएक्टेंट कितने रिएक्ट कर गए, जब शुरू में तो रिएक्टेंट ही होते हैं अपने पास, जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो उससे प्रोडक्ट बनते हैं, यानी कि शुरू में रिएक्टेंट ही होते हैं सारे, प्रोडक्ट होते हैं जीरो, फिर धीरे धीरे प्रोडक्ट बनते जाते हैं, रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन कम होती जाती है। तो कितना कंसंट्रेशन में चेंज आया और उसने कितना टाइम ले लिया, वो रेट होगा। आगे डिटेल से पढ़ेंगे। रेट यानी कि क्या आएगा? चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो, रेट और टाइम ये दोनों क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हैं। इसका मतलब ये होगा कि अगर डेल्टा टी यानी कि टाइम ज्यादा है, अगर रिएक्शन में टाइम ज्यादा लग रहा है, तो ये इसका उल्टा है, यानी कि उसका रेट उतना ही कम है। तो जब हम कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, तो वेरी स्लो रिएक्शन का मतलब ये होगा कि इसमें जो टाइम है वो बहुत ज्यादा लग रहा है, टाइम वेरी लॉन्ग टाइम, बहुत ज्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से रेट इसका क्या होगा? बहुत कम होगा। इसीलिए इनको कहते हैं वेरी स्लो रिएक्शन, क्योंकि ये बहुत जल्दी जल्दी नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि पहला एग्जाम्पल आप कह सकते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन की जो रस्टिंग है, आयरन को जो जंग लगता है, वो क्या है? वेरी स्लो रिएक्शन है, बहुत धीरे धीरे होती है। कभी ऐसा नहीं होगा कि आयरन का कोई टुकड़ा आप लें, एक घंटा बाहर रख दें, एयर मॉइस्चर आए और उसको कोरोजन हो जाए या फिर उसकी रस्टिंग हो जाए, ऐसा नहीं होगा। ये बहुत स्लो रिएक्शन है। नेक्स्ट, जैसे और हो सकता है, रूम टेम्परेचर पर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अगर वाटर बनाना चाहें, तो रिएक्शन क्या होगी? H2+O2 इट गिव्स H2O। बैलेंस करेंगे, ये 2 आएगा, ये भी 2 आएगा। अगर ये रिएक्शन आप रूम टेम्परेचर पर करवाते हो, तो ये भी वेरी स्लो रिएक्शन है, यानी कि इसमें भी बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, आप इसका रेट कैलकुलेट कर नहीं कर पाएंगे। कर तो सकते हैं लेकिन उसमें बड़ी दिक्कतें आएंगी, बहुत पेशेंस की जरूरत पड़ेगी। इसी तरह और रिएक्शंस हो सकती हैं जो वेरी स्लो का एग्जाम्पल है, जैसे CO2 की फॉर्मेशन है, इसी तरह C+O2, और ये रिएक्शन भी आप कब करवाएंगे? रूम टेम्परेचर पर, और रूम टेम्परेचर पर बन गया CO2, तो ये भी इतना जल्दी नहीं बनने वाला है, यानी कि ये भी किस कैटेगरी में आएगी? वेरी स्लो रिएक्शन की कैटेगरी में आएगी। नेक्स्ट, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड से मिथेनॉल बन सकता है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इससे मिथेनॉल बन गया, 2H2 मिलाएंगे। मिथेनॉल का फॉर्मूला क्या है? CH3OH, मिथाइल अल्कोहल या मिथेनॉल। ये रिएक्शन भी अगर आप रूम टेम्परेचर पर करवाओगे तो कैसी होगी? वेरी स्लो रिएक्शन होगी। एक बात आपने हमेशा याद रखनी है कि ये जो वेरी स्लो, फास्ट, मॉडरेट, ये जो रिएक्शन है ना, इनको आप चेंज कर सकते हो, यानी कि रेट चेंज हो सकता है। जब आप किसी का भी टेम्परेचर चेंज करोगे या प्रेशर चेंज करोगे, तो फिर इस रेट को चेंज किया जा सकता है। यही रिएक्शन जो वेरी स्लो है, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओगे, प्रेशर चेंज करोगे, तो ये जल्दी हो सकती है। लेकिन हम किसकी बात कर रहे हैं? रूम टेम्परेचर की बात कर रहे हैं। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होता है? ये है वेरी स्लो रिएक्शन, जो बहुत धीरे धीरे होती है। दूसरी टाइप की रिएक्शन, कुछ ऐसी रिएक्शंस हैं जो बहुत ज्यादा फास्ट होती हैं, यानी कि फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में होती हैं, उनका रेट भी डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है, वो लैब्स में ही होगा, वैसे नहीं हो पाएगा, उनको हम कहेंगे वेरी फास्ट रिएक्शंस। वेरी
वेरी फास्ट रिएक्शन में क्या होगा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में ये रिएक्शन हो जाती है, बहुत जल्दी होती है, 10^-12 to 10^-16 सेकंड्स, इतने कम टाइम इंटरवल में ही ये हो जाती हैं, वेरी फास्ट रिएक्शंस। और इनके एग्जांपल होते हैं आयनिक रिएक्शंस। जो हमारे पास आयनिक रिएक्शंस हैं वो क्या होती हैं, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाती हैं, बहुत जल्दी जल्दी हो जाती है। जैसे कि बहुत कॉमन सी रिएक्शन, कभी से आप पढ़ते आ रहे हो, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड NaOH, ये रिएक्शन है NaCl+H2। तो ये एक आयनिक रिएक्शन है, आयनिक रिएक्शन क्या होगी, बहुत जल्दी होगी, ये फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में हो जाएगी। तो यानी क्या कहेंगे कि इसका जो टाइम है वो क्या होगा, बहुत ज्यादा कम है। और ये हमने देख लिया, टाइम बहुत ज्यादा कम होगा तो रेट इसका क्या होगा, ज्यादा हो जाएगा। तो इतना जल्दी रेट होगा कि हम पता ही नहीं लगा पाएंगे रेट था कितना। लेकिन हो सकता है इनका भी एक्सपेरिमेंटल सेटअप में होगा, लैब्स में होगा, वैसे नहीं होगा। या फिर ऐसे बहुत सारे एग्जांपल हैं जो इसके हैं, जैसे कि और हो सकता है AgNO3 है, आयनिक रिएक्शन बहुत सारी पड़ते हैं, आप किसी को भी ले लो, इसके साथ आप रिएक्ट करवा दें सोडियम क्लोराइड की, तो क्या होगा, ये मोर रिएक्टिव मेटल है, रिप्लेस करेगा NaNO3+AgCl, इसके PPT आ जाएंगे, इसके प्रेसिपिटेट आ जाएंगे। तो ये भी किसका एग्जांपल है, वेरी फास्ट रिएक्शन का है। यानी कि हमने ये पढ़ा कि वेरी स्लो रिएक्शन का रेट डिटरमाइन करना बहुत मुश्किल है, और वेरी फास्ट रिएक्शंस का रेट डिटरमाइन करना भी बहुत मुश्किल है। हम किसका रेट अच्छी तरह डिटरमाइन कर पाएंगे, जो ना तो बहुत ज्यादा रेट पे होती हो और ना बहुत कम रेट पे होती हो, जिनको हम कहेंगे मॉडरेट टाइप ऑफ रिएक्शंस, जो तीसरी टाइप अपनी मॉडरेट टाइप, जिनका रेट हम डिटरमाइन कर सकते हैं वो है मॉडरेट, जिनका रेट मीडियम होता है। जैसे एग्जांपल है इन्वर्जन ऑफ केन सुगर, इन्वर्जन ऑफ केन सुगर एग्जांपल है मॉडरेट रिएक्शन का। सुगर क्या है, C12H22O11, ये सुगर है अपने पास, सुक्रोज भी इसको कहते हैं या टेबल सुगर भी कहा जाता है, घर में जो आप चीनी खाते हो यही होती है, C12H22O11, C12H22O11। जब आप इसका इन्वर्जन का मीन से इसके साथ वाटर की रिएक्शन करवाएंगे, अभी इन्वर्जन का बता रहा हूं क्या होता है, C6H12O6+C6H12O6। पहले तो आप ये सोचेंगे भाई दोनों एक जैसे फार्मूले हैं, अलग अलग क्यों लिख दिए, इसका कारण ये है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं, ये सेम थिंग नहीं है, एक इनमें है ग्लूकोज और दूसरा है फ्रक्टोज। और इन्वर्जन को आप ऑर्गेनिक में डिटेल से पढ़ने वाले हैं, इन्वर्जन क्या होता है, रोटेशन ऑफ लाइट को कुछ सब्सटेंस, यानी कि ऐसे सब्सटेंस होते हैं कुछ कि जो लाइट को रोटेट कर देते हैं, यानी कि हम उनका सॉल्यूशन लेते हैं और उनके अंदर से लाइट को गुजारते हैं, कैसी लाइट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, जो सिंपली एक डायरेक्शन में जिनके ओसिलेशन होता है वो। अब ज्यादा डिटेल में नहीं जा रहे हम, आपको सिंपली समझा रहा हूं, पहले जो लाइट आएगी किसी भी सोर्स से वो हर डायरेक्शन में होगी, तो निकोल प्रिज्म होता है उसमें से इसको गुजारते हैं जिससे ये मोनोक्रोमेटिक हो जाएगी। अब इस मोनोक्रोमेटिक को जो भी सब्सटेंस यहां हमने चेक करना है उसके सॉल्यूशन में से गुजार देते हैं, तो कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो इसको लेफ्ट साइड में मोड़ते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो राइट साइड में मोड़ते हैं। जो लेफ्ट में मोड़ते हैं उनको लिवो रोटेटरी कहते हैं, जो राइट में मोड़ देते हैं इस लाइट को वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी। तो उस बेस के ऊपर है कि यहां इसकी अलग होती है रोटेशन, और जब ये बनते हैं तो रोटेशन दूसरी हो जाती है, एंगल हालांकि इन दोनों की अलग अलग है लेकिन जो आंसर आएगा वो अपना इससे उल्टा आएगा, इनवर्ट का ये मतलब है उल्टा। अभी आप आगे जाके डिटेल से इसको पढ़ेंगे,
लास्ट यूनिट में भी आएगा, इसको यहां ज्यादा बात नहीं करेंगे हम। इतनी बात करेंगे कि ये एक ऐसी रिएक्शन है जो मॉडरेट रिएक्शन है जिसका रेट आप डिटरमाइन कर सकते हैं। दूसरा जैसे एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर, एस्टर्स का अगर हम हाइड्रोलिसिस करते हैं, यानी कि जो बहुत ज्यादा रिएक्शंस होती हैं जिनसे हमारा सामना होता है वो मॉडरेट ही होती हैं, जैसे CH3COOC2H5 ये एक एस्टर है, NaOH की आप इसके साथ रिएक्शन करवाते हो तो ये रिएक्शन होगी, इसको ले जाओगे यहां से तो ये होगा CH3COONa+C2H5OH, ये भी कैसी रिएक्शन है, मॉडरेट रिएक्शन है। तो तीन टाइप्स हमने पढ़ लिए, वेरी फास्ट, वेरी स्लो एंड मॉडरेट। और बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं, जैसे N2O5 का डिकम्पोज होना, टूटना, डिकम्पोजिशन ऑफ नाइट्रोजन डाइनाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, तो इसका जो डिकम्पोजिशन है N2O5 ये टूट जाएगा N2O4+O2, टू यहां N2O4, ये भी कैसा है, मॉडरेट का एग्जांपल है। तो ये हमने पढ़ा कि इतने ये तीन टाइप की रिएक्शन हो सकती है। अब इस यूनिट के मुद्दे की बात करते हैं कि केमिकल काइनेटिक्स क्या है जो हमें रेट ऑफ रिएक्शन और मैकेनिज्म ऑफ रिएक्शन के बारे में बताएगी। एक्चुअली ये जो काइनेटिक्स वर्ड है ये ग्रीक वर्ड है, ग्रीक, इसका जीके मतलब जनरल नॉलेज नहीं है, ग्रीक वर्ड है, यूनानी शब्द है काइनेसिस, उससे डिराइव हुआ है, और इस काइनेसिस का डिक्शनरी मीनिंग है मूवमेंट। तो केमिकल काइनेटिक्स वो ब्रांच है केमिस्ट्री की जो हमें रेट के बारे में बताती है। तो दो लेवल पे हमने पढ़नी पड़ती है, जब हम काइनेटिक्स को पढ़ेंगे तो इसके दो लेवल हो जाएंगे। एक तो इसका लेवल है मैक्रोस्कोपिक, यानी कि मोटी मोटी बात जो हम पढ़ते हैं, और दूसरा लेवल है माइक्रोस्कोपिक। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे तो हम बात करेंगे केवल इसके रेट की या स्पीड की, कि रिएक्शन जो हो रही है उसकी रेट क्या है, स्पीड क्या है, और माइक्रोस्कोपिक के ऊपर गहराई की बात करेंगे, जैसे कोलिजन थ्योरी क्या है, यानी कि मॉलिक्यूल कोलाइड होके कैसे रेट को प्रभावित करते हैं, या ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस के बारे में। तो जब हम ज्यादा डिटेल से बात करेंगे आगे वो माइक्रोस्कोपिक लेवल होगा, मैक्रोस्कोपिक में पहले हम क्या पढ़ेंगे, रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालते हैं, बिल्कुल आसान सी बातें हैं सारी। रेट ऑफ रिएक्शन को आप कैसे डिटरमाइन करोगे, एक कोई भी रिएक्शन आप मान लो, और रिएक्शन लिखने से भी पहले सपोज ये आपके पास रिएक्टेंट्स हैं, और रिएक्टेंट्स जब रिएक्ट करते हैं तो बदलते हैं प्रोडक्ट्स। ये बात आप भली भांति जानते हो कि रिएक्टेंट्स रिएक्ट करते हैं वो प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो शुरू में प्रोडक्ट तो जीरो होते हैं, जब रिएक्शन शुरू नहीं हुई है तो प्रोडक्ट तो है ही नहीं, सारे रिएक्टेंट हैं, वो धीरे धीरे किसमें बदलते हैं, प्रोडक्ट में बदलते हैं। तो जब भी कोई रिएक्शन होगी, प्रोसीड होगी, आगे चलेगी, तो उसमें क्या होगा, ये जो रिएक्टेंट्स हैं क्योंकि इन्हीं को प्रोडक्ट में बदलना है, तो इनकी मात्रा यानी कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी, कम होती जाएगी, और इनसे ये बन रहे हैं तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, इंक्रीज होती जाएगी। द रिएक्शन विल प्रोसीड विद द डिक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स एंड एन इंक्रीज इन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स। तो पहली बात तो ये याद रखेंगे हम कि इनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी, और इनकी कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वो इंक्रीज होती जाएगी, डेफिनेटली विद द टाइम इंटरवल, टाइम के साथ साथ। तो रेट की जनरलाइज्ड फॉर्म ये होगी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, अगर मैं रिएक्टेंट्स की बात करूं इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, तो वो आएगा डिक्रीज इन
कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स अपॉन, कितनी मात्रा उनकी कम होगी और उस दौरान कितना उसने समय लिया, यानी कि अपॉन टाइम टेकन। ये किसकी टर्म्स में है? ये है रेट है रिएक्टेंट्स की टर्म में, और प्रोडक्ट की टर्म्स में क्या आएगा? इनकी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज हो रही है, तो हम कहेंगे इंक्रीज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन टाइम टेकन। सपोज एक रिएक्शन को ले लो आप, जैसे कि ए प्लस बी इट गिव्स सी प्लस डी, ये एक रिएक्शन मान लिया हमने और हम इस रिएक्शन का रेट निकालना चाहते हैं, तो इसका रेट क्या आएगा? मैथमेटिकली कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर रिएक्टेंट की टर्म्स में रिएक्ट हम इसको निकाले तो क्या आएगा? ए और बी क्या है अपने पास? ये दोनों है रिएक्टेंट, यानी कि इनकी कंसंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी और इनसे धीरे धीरे ये बनेंगे तो इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज होती जाएगी, तो रेट क्या आएगा? इनकी कंसंट्रेशन में चेंज, जो डिक्रीज हो रहा है इट मीन्स चेंज हो रहा है, वो शुरू में कुछ था डिक्रीज हो गए कुछ आ रहा है, तो उस चेंज को हम लिखेंगे डेल्टा के द्वारा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ए इसके अंदर चेंज यानी कि डेल्टा अपॉन टाइम में भी चेंज होगा, क्योंकि कोई भी रिएक्शन आपने मान लिया 10 बजे शुरू की और 15 मिनट बाद देखा तो टाइम में भी तो चेंज आ गया, 15 मिनट होगी तो टाइम में चेंज क्या होगा? डेल्टा टी। तो रिएक्टेंट की टर्म्स में क्या आया? रेट डेल्टा, डेल्टा मीन्स चेंज इन, ये जो स्क्वेयर ब्रैकेट है ये डिजाइनिंग के लिए नहीं है, कहीं आप इसकी बजाय ऐसा लगा दो या ये कर दो ये नहीं लगेगा, क्योंकि इसका मतलब है कॉन्सेंट्रेशन यानी कि मात्रा की बात हो रही है, तो ये क्या है? कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या है? चेंज, चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए अपॉन चेंज इन टाइम। अब देखो क्या है, डिक्रीज होते हैं रिएक्टेंट, उस डिक्रीज को शो करने के लिए हम यहां साइन लगाएंगे नेगेटिव, नेगेटिव साइन इंडिकेट्स दैट द रिएक्टेंट्स आर डिक्रीजिंग, देयर कंसंट्रेशन इज डिक्रीजिंग, या फिर एक रिएक्टेंट और भी बच गया, यानी कि मैं इसी को यह भी कह सकता हूं माइनस डेल्टा चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंजिंग टाइम। अब ये कहोगे ऐसा क्यों किया? ऐसा इसलिए किया कि चाहे आप रेट इसका निकालो या इसका निकालो या इसका निकालो इसका निकालो, बात तो एक ही है, क्यों? क्योंकि आप एक ही रिएक्शन की बात कर रहे हैं। भाई आप सपोज करो आप किसी गाड़ी में कार में बैठ के जा रहे हो पांच आदमी, तो कार की स्पीड है 60 किलोमीटर पर सेकंड, पर आवर मानो, सेकंड तो क्या, 60 किलोमीटर पर आवर आपकी कार की स्पीड है, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई कार की स्पीड क्या है तो आप बताएंगे 60 किलोमीटर, आप उसके अंदर बैठे हैं मैं कहूं कि भी आपकी स्पीड क्या है तो आपकी भी तो वही स्पीड है जो कार की है, यानी कि आपकी भी यही, आपके साथ आपका कोई दोस्त बैठा हुआ है मैं कहूं उसकी स्पीड क्या है तो बैठे तो एक ही कार में हो उसकी भी क्या है यही है, तो इसकी टर्म्स में निकालूं रेट तो भी वही है, स्पीड वही आनी है, इसकी टर्म्स में वही आनी है। अब अगर प्रोडक्ट की बात हम करें तो प्रोडक्ट की टर्म्स में क्या आएगी? ये रे प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ सी यानी कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ सी अपॉन चेंज इन टाइम। अब प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं? बढ़ते जा रहे हैं, दे आर इंक्रीजिंग इन कंसंट्रेशन, सो वी विल पुट पॉजिटिव साइन, और यू कैन से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डेल्टा टी, ऑल्सो हेयर यू विल यूज पॉजिटिव साइन। ऑलवेज रिमेंबर नेगेटिव पॉजिटिव साइन इंडिकेट्स द कॉन्सेंट्रेशन एंड नॉट द रेट, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, यू हैव टू रिमेंबर दिस थिंग, रेट इज ऑलवेज पॉजिटिव, रेट आपका नेगेटिव नहीं होगा, रेट क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नेगेटिव क्या है? नेगेटिव ये शो कर रहा है, यानी कि नेगेटिव तो कॉन्सेंट्रेशन के लिए है,
कि भाई जिसकी घट रही है उसके लिए नेगेटिव है, बढ़ रही है उसके लिए पॉजिटिव है। यानी कि नेगेटिव साइन ये किसके लिए है, ये कॉन्सेंट्रेशन के लिए है, और नेगेटिव कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज के लिए है, और पॉजिटिव किसके लिए है, इसकी इंक्रीज। यानी कि नेगेटिव पॉजिटिव का संबंध कॉन्सेंट्रेशन से है, रेट से नहीं है। रेट तो आपका हमेशा ही क्या होगा, पॉजिटिव, क्योंकि जब रिएक्शन शुरू होगी तो उसकी स्पीड तो कुछ ना कुछ होगी, वो नेगेटिव नहीं होगा आपका। तो इस तरह से जनरली ये हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन से। अब इसमें क्या होता है, कई बार जो हम रेट निकालते हैं तो कई बार तो लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए निकाल लेते हैं, काफी लंबे समय के लिए, और कई बार बिल्कुल पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए निकालते हैं। तो द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज डिटरमाइंड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल उसको कहा जाता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, एंड द रेट ऑफ रिएक्शन विच इज डिटरमाइंड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम उसको कहते हैं इंस्टेनियस रेट। जैसे आप चल पले, मान लिए आप चले हैं दिल्ली से और आपको मथुरा जाना है, तो एवरेज रेट तो कैसे निकालेंगे, भाई यहां से आप चले और यहां पहुंच गए तो टोटल डिस्टेंस कितना है और टोटल टाइम कितना लिया, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, ये तो एवरेज आ गया। मान लिया यहां से आपकी स्पीड आ गई 70 किलोमीटर पर आवर, तो क्या इस बात का मतलब ये है कि आपकी स्पीड हमेशा ही 70 रही होगी? कभी ऐसा भी तो हुआ होगा बीच में कोई ब्रेक करा गया तो आपकी स्पीड कम होगी, कहीं जाम आ गया तो आप बिल्कुल भी रुक गए होंगे, कहीं बिल्कुल खुला रोड था आप 70 से ऊपर भी चले होंगे, लेकिन एवरेज क्या आई 70। तो जो लॉन्ग, वही बात यहां लागू करो, आप लॉन्ग टाइम इंटरवल के लिए जो हम डिटरमाइन करेंगे वो है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन, और पर्टिकुलर इंस्टेंट, मान लिया आप सुबह 9 बजे चले, शाम को पहुंचे आप 3 बजे, और कोई आपसे ये पूछे कि भाई आप ये बताइए 12:35 पर आपकी स्पीड क्या थी, ये क्या पूछ रहा है, एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, इसको हम कहेंगे इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। तो अभी इन दोनों के ग्राफ बनाते हैं और एवरेज रेट ऑफ इनको देखते हैं। इससे पहले एक बात और, कई बार क्या होता है स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट दिए होते हैं, जैसे कि एक रिएक्शन है ये मान लो 2HI, इट गिव्स H2+I2, इसका हमने रेट लिखना हो तो रेट कैसे लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ HI अगर रिएक्टेंट की टर्म में मैं लिखूं तो, अपॉन Δt जो टाइम लिया, ये भी चेंज के लिए क्या करोगे डेल्टा, क्योंकि ये रिएक्टेंट है तो क्या आएगा माइनस साइन। लेकिन एक बात और गौर करो आप कि यहां पर इसका तो कंजम्पशन हो रहा है, ये तो टूट रहा है, और इनका फॉर्मेशन हो रहा है, ये बन रहे हैं, तो इसको लो या इसको लो, ये तो दो टूट रहे हैं लेकिन ये तो एक बन रहा है, इसी तरह ये दो टूट रहे हैं ये एक बन रहा है। इट मीन्स द रेट ऑफ कंजम्पशन जो टूट रहा है या डिकम्पोजिशन, द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ एच आई इज ट्वाइस एज दैट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 और I2। इसका मतलब इसका रेट ऑफ डिकम्पोजिशन क्या है, इनसे डबल है। अब आपको इसके बराबर करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा तो क्या है, ये डबल है तो इसको आधा कर दो फिर ये सारे बराबर आ जाएंगे। यानी कि ये जो कोएफिशिएंट है, अब याद रखने वाली बात ये है, यहां जो भी कोएफिशिएंट आपके पास हो उनको आपने डिवाइड कर देना है, यानी कि -1/2, ये इस तरह से रेट निकलेगा। जो भी आया अभी यहां 2, 3, 4 कहीं कुछ भी आए तो आपने ऐसे कर देना, इस तरह से रेट निकालते हैं। तो इसके बाद हम अब पढ़ते हैं एवरेज रेट एंड इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन दो तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं, पहला है एवरेज रेट, एवरेज रेट किसको कहेंगे, द रेट विच इज डिटरमाइंड ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल, ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल उसको हम कहेंगे एवरेज रेट, और दूसरा क्या हुआ इंस्टेनियस रेट।
जिसको आप सिंपली कह सकते हैं RINS, ऐसे शो कर देंगे इसको, इसको RAVG। तो इंस्टेनियस क्या है? विच इज डिटरमाइंड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। ये पर्टिकुलर इंस्टेंट के ऊपर यह है इंस्टेनियस। सपोज करो अब आपके पास एक रिएक्शन है जिसमें R रिएक्टेंट है जो चेंज हो रहा है प्रोडक्ट में P में, तो जाहिर सी बात है इसकी कंसेंट्रेशन डिक्रीज होगी, इनकी कंसेंट्रेशन इंक्रीज होगी। यानी कि मैं कह सकता हूं कि R जो है ये डिसअपियर होगा, खत्म होगा, और P क्या होंगे, प्रोडक्ट क्या होंगे, ही अपियर होंगे। यानी कि अगर मैं इसका रेट ऑफ डिसअपियरेंस ये निकालना चाहूं तो क्या आएगा, पता ही आपको, पढ़ चुके हो, इनकी चेंज में कंसंट्रेशन अपॉन डेल्टा टी, क्योंकि डिक्रीज करेगा तो ये क्या आएगा, माइनस। इसी तरह अपीयरेंस इसकी क्या जाएगी, पी की, ये पॉजिटिव साइन, डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। अब ये जो है हमने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रखा है, इसको आप देखें एक बार। इस एक्सिस के अलोंग हमने मान लिया टाइम और यह है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। तो जाहिर सी बात है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट क्या हो रही है, इसकी टर्म में मान रहे हैं शुरू में हम, तो यह कंसंट्रेशन क्या हो रही है, डिक्रीज होती जा रही है। सपोज यहां पर हमने देख लिया एक जगह ये कंसंट्रेशन है आर वन, इसको इस कर्व से आप मिला लो, ये आर टू है इसको मिलाओ, तो चेंज इन कंसंट्रेशन कितनी आई, ये आर वन ये ज्यादा थी शुरू में, ये ज्यादा ही थे, ये कम होते जा रहे हैं, आर वन और ये क्या है आर टू, लास्ट में कितनी आ गई आर टू। तो ये जो आया है ये तो आ गया आपके पास डेल्टा आर, यानी कि आर की जो कंसंट्रेशन चेंज है वो। अब टाइम की बात करें, टाइम का अपने पास ये एक्सिस है तो आप इसको मिला लो, तो ये क्या होगा, सपोज ये है टी वन, इसको मिलाओ नीचे मिलाओगे ये क्या है टी टू। अब टाइम में चेंज कितना हुआ, इतना, क्योंकि आर वन यहां ले रखा हमने, आर टू ये है, तो ये जो है ये अब हमारे पास आ गया डेल्टा टी। तो अगर एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन आपको निकालना पड़े तो कैसे निकालेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, इसीलिए तो माइनस आता है रिएक्टेंट, क्योंकि ये कम होता जा रहा है, तो R2 माइनस R1 आएगा। यानी कि सिंपली अगर मैं यहां पर R एवरेज निकालना चाहूं तो अपनी क्या आती है, माइनस डेल्टा R अपॉन डेल्टा T। अब क्योंकि अब डेल्टा का भी हमें यहां पता चल चुका है, ये क्या आएगा माइनस, अब डेल्टा को हटा देते हैं, फाइनल क्या है R2, यानी कि हम लिख सकते हैं R2 माइनस R1 अपॉन, अब डेल्टा की जरूरत नहीं है क्योंकि ये लिख दिया हमने, चेंज ही है, फाइनल टाइम क्या है T2, इनिशियल क्या है T1, यानी कि T2 माइनस T1, ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। अब इंस्टेनियस की बात करते हैं, इंस्टेनियस का मतलब एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो उस समय आपके पास क्या आएगा, कोई भी टाइम आप मान लें, मान लें इस पॉइंट के ऊपर आप देखना चाहते हैं, टाइम से मिलाओ, ये कोऑर्डिनेट इसका टाइम से मिला, इस पॉइंट पे आप डिटरमाइन करना चाहते हो, तो ये कैसे डिटरमाइन कर पाओगे, ये होगा स्लोप, टेंजेंट ऑफ द स्लोप, इस तरह स्लोप आएगा और ये स्लोप नीचे की तरफ आ रहा है, इट मीन्स ये स्लोप क्या है अपने पास यहां, ये है नेगेटिव। तो आपको इतना याद रखना है, इसमें ज्यादा हम मैथ्स के पोर्शन में नहीं जाने वाले हैं कि कौन सा किसका कोऑर्डिनेट है और ये फंक्शन किसका है, इसमें हम नहीं जाएंगे, हमारे काम की बात यहां पर बस इतनी है कि ये डिक्रीज हो रहा है, स्लोप क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, और इंस्टेनियस निकालेंगे कैसे, आर जो इंस्टेनियस है वो कैसे करेंगे। अब ये जो चेंज होगा ना, ये बहुत कम चेंज होगा, तो अब इसको डेल्टा से नहीं दिखाते हम, इसके लिए डी का यूज करते हैं, यानी कि माइनस डी आर, जो थोड़ा सा चेंज हुआ, टाइम भी बहुत थोड़ा हुआ, तो वो होगा डी टी।
ये आएगा इंस्टेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, और ये आपके पास क्या आया हुआ है, ये है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। किसकी टर्म्स में है ये? ये रिएक्टेंट की टर्म्स में है। प्रोडक्ट को देख लेते हैं, प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट में कंसंट्रेशन बढ़ती हुई जा रही है, तो फिर यही बात करेंगे जो यहां की है। अब कहीं भी आप मानो, मान लिया शुरू में आपके पास, यहां मान लो इस जगह मानते हैं, इसको यहां से मिलाओ, ये है पी वन, और ऊपर मान लो यहां प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती जा रही है, ये है पी टू। समझ गए होगे, बहुत आसान सी बात है। तो चेंज कितना आया प्रोडक्ट में, ये चेंज आ गया, ये अपने पास अब क्या है, डेल्टा पी है। टाइम की बात करते हैं, टाइम को मिला लो, ये नीचे मिलाओगे ये होगा टी वन, इसी तरह ये फाइनल कंसंट्रेशन है, इसको यहां से मिलाओ, ये क्या होगा टी टू। तो ये जो चेंज है, ये चेंज का क्या आ गया अपने पास, डेल्टा टी। तो एवरेज फिर आसान सी बात है, आप निकाल सकते हैं क्या आएगी, यानी कि एवरेज रेट यहां से क्या बता सकते हैं हम, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ पी अपॉन चेंज इन टाइम, ये आ गई। प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं, जाहिर सी बात है साइन आएगा प्लस का, या फिर इसी को हम कैसे कह सकते हैं, वही काम करो, प्लस का साइन तो है ही, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल टी टू माइनस पी वन अपॉन टाइम क्या है टी टू माइनस पी वन। तो ये अब आपके पास क्या आ गया, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन का ये फार्मूला आ गया। अब बात करें इंस्टेनियस की, तो फिर वही मानना पड़ेगा, मान लिया यहां पे आप मान लेते हैं इस पॉइंट पे, तो इस पे क्या करना पड़ेगा, फिर आपको टेंजेंट लेना पड़ेगा, इसका स्लोप बनाना पड़ेगा, इसको आप मिलाएंगे, ये वो टाइम होगा टी, और फिर से वही आ जाएगा स्लोप। अब की बार कैसा जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो स्लोप अपने पास यहां क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, और आर इंस्टेनियस क्या आएगा, डी टी स्मॉल चेंज इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन स्मॉल चेंज इन टाइम, ये इंस्टेनियस का फॉर्मूला आएगा। इस तरह से ग्राफिकली इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं दोनों को, इंस्टेनियस एंड एवरेज रेट। डेफिनेशन आप समझ चुके होंगे, जो ओवर ए लॉन्ग टाइम इंटरवल डिटरमाइन होता है वो क्या है, एवरेज रेट, और जो स्मॉल टाइम इंटरवल पर पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पर होता है वो क्या है, वो इंस्टेनियस रेट है।